बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। चार पहिया वाहन चालक ने रिवर्स लेते समय पीछे वाली चार पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इसमें चार पहिया वाहन का काफी नुकसान हो गया। हसारा निवासी लक्ष्मण कुमले उम्र 35 वर्ष ने वाहन को बिना कोई सावधानी बरते रिवर्स लिया। लंबी बीमारी के चलते खेत में पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना उमरी में घटी। मृतक का नाम उमरी निवासी प्रशांत प्रभु बागड़े उम्र 32 वर्ष है। जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज शुरू कर दिए। शादी समारोह में घर आए मेहमान के साथ पास की वैनगंगा नदी में स्नान करने गए कुशारी निवासी 18 वर्षीय युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम पीयूष उर्फ बादल राधेश्याम अम्बागढ़े उम्र 18 वर्ष है। रावनवाड़ी थाने के तहत चंगेरा निवासी फिरियादी अशफाक सज्जाद खान उम्र 27 वर्ष को आरोपी ने अपने घर के आगे बुलाकर चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। रावनवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्रामीण थाने के तहत आवरी टोला निवासी अभिनाश माधोराव ब्राह्मणकर अपनी मोटरसाइकिल से छोटा गोंदिया से आवरी टोला जा रहा था। इसी बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। डुगीपार थाने के तहत झुरकुटोला निवासी सकीना सुखदेव उइके उम्र 17 वर्ष ने घर पर ही जहर का टक ली। उसे ग्रामीण अस्पताल गोरेगांव में प्रथम उपचार के बाद केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आमगांव थाने के तहत किनकीपा निवासी फिरियादी तिलक सिंह नरेंद्र सिंह परिहार के खेत से अज्ञात व्यक्ति ने मोटर पंप चुरा लिया, जिसकी कीमत 8,000 रुपए बताई गई है। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।